हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिव्यन प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद्यो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया रहे, मस्त रहे, ठीक। आज आपके सामने हम शॉर्ट नोट लाए जा रहे हैं। शॉर्ट नोट है, हाल ही में मॉरिशस में तेल रिसाव हुआ। मॉरिशस एक ड्यूटी देश है जहाँ पर तेल रिसाव हो गया है कुछ कारणवश, जिसकी वजह से मॉरिशस सरकार ने वहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल लागू कर दिया। पर्यावरणीय आपातकाल लागू कर दिया। अच्छा, पर्यावरणीय आपातकाल लागू कर दिया। अच्छा, ये बताइए, पेपर में भी आएगा, हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल किस देश ने लागू किया? तो मॉरिशस ने लागू किया। ठीक, मॉरिशस ने लागू किया। अगर देखा जाए मॉरिशस की पोजीशन क्या है, मॉरिशस कहाँ पर स्थित है, तो मॉरिशस जो है हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में, जैसे मान लीजिए अपना भारत है, तो भारत में ये द्वीप है जिसे मॉरिशस के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, राइट। और इसी के जस्ट पश्चिम में मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर, इसके पश्चिम, मॉरिशस के पश्चिम में मेडागास्कर द्वीप समूह जो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, मॉरिशस जो है मेडागास्कर के पूर्व में, भारत के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो मॉरिशस में तेल रिसाव हुआ है, तो मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल लागू किया गया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने वहां पर राहत सामग्री एवं एक्सपर्ट टीम को भेजा है, जाइए इसकी मदद कीजिए, ठीक। क्वेश्चन पेपर में यही आएगा कि मॉरिशस में जो तेल रिसाव हुआ कहाँ पर हुआ, तो मॉरिशस में तेल रिसाव मॉरिशस ये मैंने देश बनाया है, मॉरिशस बनाया। मॉरिशस का एक जगह है माहेबर्ग। माहेबर्ग के उत्तर में ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व स्थित है। ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व स्थित है इस जगह पर। ब्लू बे मरीन पार्क जो है एक वेटलैंड पार्क है। वेटलैंड कहता है, वेटलैंड पार्क यानी आर्द्र भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेटलैंड पार्क है, इस जगह पर तेल रिसाव हुआ है। यहाँ पर तेल रिसाव हुआ है, तो तेल रिसाव होने की वजह से वो क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित है, ठीक, काफी ज्यादा प्रभावित है। अच्छा, ये बताइए, जो तेल रिसाव प्रभावित, तेल रिसाव हुआ है मॉरिशस में, वो कहाँ, कैसे, क्या सिस्टम, मतलब कैसे रिसाव होगा वहाँ के जहाज से, अन्य देश के जहाज से? तो इसका जो रिसाव हुआ है वो जापान से एक जहाज आ रहा था, जिसमें 4000 मीट्रिक टन एक जापान से जहाज आ रहा था। जापान की कंपनी नागिशिकी प्राइवेट लिमिटेड नागिशिकी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जापान की, जो इस कंपनी का जहाज था, जिसका नाम था, आपको मैं बता दूं, उसका नाम था एमवी वाकासियो, ठीक है। जो नागिशिकी प्राइवेट लिमिटेड एमवी नागा वाकासियो जहाज का नाम है, जो जापान से जा रहा था और वहाँ ब्राजील जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ब्राजील जा रहा था। तो ब्राजील जाने से पहले इस जगह पर, यहाँ पर इसका क्या हुआ, खराब मौसम की वजह से जहाज यहाँ रुक गए, और खराब मौसम की वजह से जहाज आगे निकल नहीं पाया, जब आगे जा नहीं पाया और वहाँ से जहाज निकल नहीं पाया, जिसके वजह से समुद्र जहाज की जो दरार, जहाज की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनमें दरार पड़ गई। तो दरार पड़ने से वहाँ तेल रिसाव होने लगा। इस जहाज में लगभग आपको बता दें 4000 मीट्रिक टन ईंधन था। 4000 मीट्रिक टन ईंधन था, मीट्रिक टन ईंधन था इसमें, ठीक है। तो नागासाकी प्राइवेट लिमिटेड जापान की कंपनी है, वहां से एमवी वाकासियो जहाज जो 4000 मीट्रिक टन से भरा हुआ था और वो ब्राजील जा रहा था, मतलब दिखाएं आपको मैप में, और अच्छे से अगर हम मैप में आपको और अच्छा समझाना चाहें तो ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, तो जापान, ये विदेश जापान, ये जापान है, राइट। ये एशिया यूरोप महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, समझते चलना खाली पर। ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो ऐसे आप डिनोट कर दे रहे हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका,
और ये क्या है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका यही मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ मॉरिशस है, ये क्या है ये मॉरिशस है, ठीक। जापान से जहाज आया है मॉरिशस के रुका, और मॉरिशस से ये फिर इधर ब्राजील जाता है, यहाँ पे आता है। तो ये जो डायरेक्शन थी, जो डायरेक्शन है, जापान से जहाज आया मॉरिशस से, मॉरिशस से ये अफ्रीका के दक्षिण समुद्री मार्ग से होते हुए ब्राजील जाता, ठीक है। लेकिन ये मॉरिशस के पास ही खराब मौसम की वजह से वहां पर काफी मात्रा में तेल रिसाव हो गया और काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ, ठीक। इसीलिए मॉरिशस सरकार ने वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि जो जहाज जा रहा था जापान से ब्राजील तेल लेकर, उसका रिसाव किस देश के पास हुआ, तो उसका रिसाव जो हुआ मॉरिशस के पास हुआ, कहाँ पे मॉरिशस देश के पास उसका रिसाव हुआ। अच्छा ठीक, अभी मैंने इसी में बताया मॉरिशस में जो एक जगह थी ब्लू बे, ब्लू बे मरीन मरीन पार्क रिजर्व रिजर्व, ये जो है ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व जो कहाँ पे है मॉरिशस में है, इसी जगह पर ही ये तेल रिसाव हुआ है, तेल रिसाव हुआ है। इसलिए थोड़ा आपको बता दें इसके बारे में, ये इसका ये लगभग 353 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मॉरिशस के 353 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ये मॉरिशस देश है तो ये इतने एरिया में फैला हुआ है, 353 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ यहाँ पर 38 टाइप की कोरल रीफ पाई जाती हैं, यहाँ पर 38 टाइप की कोरल रीफ पाई जाती हैं, कोरल रीफ पाई जाती हैं 38 टाइप की, और 72 टाइप की मछलियाँ पाई जाती हैं, मछलियों की प्रजातियाँ जो है यहाँ पर 72 प्रकार की मछलियाँ पार्क में हैं, और 38 टाइप की कोरल रीफ पाई जाती हैं, इसकी एक पहचान है, इसकी ऐसी पहचान है 38 टाइप की कोरल रीफ और 72 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, राइट। और उसके अलावा ये जो है इसको इसमें शामिल किया गया है रामसर साइट में, शामिल किया गया 2008 में, इसको 2008 में रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो जान जाइए रामसर साइट में जुड़ना छोटी बात नहीं है। रामसर साइट क्या है, तो रामसर ईरान की जगह है, रामसर जो एक आर्द्र भूमि है, इसी की वजह से वहाँ कन्वेंशन हुई, मीटिंग हुई, जिसकी वजह से वहाँ आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक। तो इसीलिए जो ऐसे प्लेस होते हैं जितने भी आर्द्र भूमि वेटलैंड जगह होती हैं वो सारी ज़्यादातर रामसर साइट के तहत जोड़ी जाती है, रामसर साइट के तहत जोड़ी जाती है, राइट। अब आपको बता दें तेल रिसाव हो गया है, तेल रिसाव होने से समुद्र में काफ़ी नुकसान हो गया या पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। तो मैं आपको बता दूं तेल रिसाव हो गया उससे नुकसान, और नुकसान के साथ साथ तेल रिसाव को कम करना या तेल रिसाव जैसे हो गया है उसको साफ करने का क्या तरीका होता है। देखिए जब तेल रिसाव हो जाता है उससे नुकसान तो आपका सीधा सीधा है कि जो वहाँ पर पक्षियों स्तनपाई जीव इन सब का घर और भोजन जो है सब खराब हो जाता है, पक्षियों स्तनपाई जीव का भोजन जो है वहाँ पे खराब हो जाता है। भाई जहाँ वो रहते हैं भाई घर द्वार नहीं तो घर बनाते हैं वो, और जो खाना पीना जो होता है जो कीट पतंगे और जो घास वगैरह जो होती है सब उन्हें वो खाते हैं, लेकिन इसके वजह से जब तेल का रिसाव होगा तो सब खत्म हो जाएगा, जिसमें भोजन सामग्री होकर सब नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है कि समुद्र में जीवों की जितने स्तनपाई जंतु पाए जाते हैं उनमें हाइपोथर्मिया नामक बीमारी हो जाती है, और हाइपोथर्मिया नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है, जो जीव जंतु स्तनपाई पाए जाते हैं तो हाइपोथर्मिया बीमारी। तेल रिसाव से समुद्र में जो जीव जंतु मरते हैं किस बीमारी से क्या हो जाता है उनको, तो हाइपोथर्मिया, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। लॉस का नुकसान होता है क्या, एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं प्रजातियाँ, बहुत ऐसी कंडीशन में बहुत सी प्रजातियाँ जो नष्ट हो गई हैं,
ठीक है, अब बताते हैं आपको जो समुद्र में तेल रिसाव हो जाता है उसको साफ करने की क्या विधि है। तो जब तेल रिसाव हो जाता है तो दो तरह की होती है, एक है आर्टिफिशियल, एक आर्टिफिशियल मेथड है और एक है नेचुरल मेथड है। ठीक है, नेचुरल मेथड है तो हम आपको आर्टिफिशियल बता रहे हैं। आर्टिफिशियल में आपके आ जाता है जो सबसे पहला स्कीमिंग मेथड। स्कीमिंग मेथड के द्वारा जो समुद्र में तेल होता है उसको कैसे साफ किया जाता है। स्कीमिंग मेथड में ये होता है कि इसको कैसे, तो स्कीमिंग मेथड समुद्र की सतह पर तेल होता है, समुद्र की सतह पर तेल को ये लोग एब्जॉर्ब स्कीमिंग मेथड से समुद्र की सतह के ऊपर जो तेल होता है उसको खींच लिया जाता है। ये स्कीमिंग मेथड होता है जो समुद्र की सतह पर तेल, अंदर जो है समुद्र में वो नहीं, लेकिन समुद्र की सतह वाला जितना तेल है उसको खींच लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, वह स्कीमिंग मेथड होता है। स्कीमिंग माध्यम से समुद्र की सतह का तेल हटाया जाता है। दूसरा एक मेथड है जिसका नाम है इन सीटू बर्निंग माध्यम जो है, इस माध्यम से कैसे निकाला जाता है। तो इन सीटू बर्निंग के माध्यम से जो निकाला जाता है वो समुद्र में एक जगह तेल को कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। मतलब कि समुद्र के जो तेल फैला हुआ उसको एक तरफ खींच लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। जो भी प्रोसेस होती है, मशीनरी होती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग क्या करते थे, तेल को एक तरफ खींच लेते तो उसको वहाँ पे जला देते, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया या तेल वगैरह जितना भी ऐसे अवशेष के उधर समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, एक इसका तीसरा मेथड जो है केमिकल, तीसरा मेथड इसका जो आता है उसका नाम है केमिकल डिस्पेरेंस, केमिकल डिस्पेरेंस, केमिकल डिस्पेरेंस। केमिकल डिस्पेरेंस के माध्यम से होता यह है कि जहां पर तेल रिसाव होता है समुद्री जगह पर, वहां पर केमिकल का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके जो केमिकल के छिड़काव की वजह से जो समुद्र की में जो तेल रहता है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बट जाता है। तेल है डाल जाएगा तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, छोटी छोटी बूंदों में वो हो जाता है और मतलब गोल गोल टाइप का हो जाता है। ड्रॉपलेट जो होता है वो ऐसा केमिकल डालते हैं कि उसकी सुगंध पूरी तरह चली जाती है और जितने भी जीव जंतु हैं उस ड्रॉपलेट्स को खा भी सकते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से यहाँ से तेल का रिसाव, मतलब जो तेल फैला हुआ होता है धीरे 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 कम होता चला जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड में तीन मेथड है जिसके माध्यम से समुद्र में जो तेल होता है उसको साफ किया जाता है, समुद्र को साफ किया जाता है। एक नेचुरल मेथड होता है, नेचुरल मेथड सीधा सीधा यही है जो हमारा वाष्पीकरण होता है इसके माध्यम से चला जाता है, पायसीकरण होता है इसके माध्यम से चला जाता है, अन्य जितने भी माध्यम नेचुरली है उसके माध्यम से तेल निकल जाता है समुद्र। ठीक है, तो मौसम तेल रिसाव के अंतर्गत जितनी चीज़ें मैंने बताई, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसके अलावा अगर आपको PDF नोट्स लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्मार्ट स्टडी देव के नाम से बना हुआ है, आप उसे जुड़िए। और हम हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक डाल देता हूँ, आप इससे जुड़ जाएंगे तो इसका पूरा PDF नोट्स आपको मिल जाएगा विद डायग्राम। ठीक, जिसके वजह से आपको मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, मतलब लेक्चर के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट। और आपको जैसे भी वीडियो लगे आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो करिए और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।